on-site emergency plan. On-site क्या है बाबा? On the site. The present of site, right? Off-site? Like off. Is deal with? Is deal with? Deal, deal. Is deal with? Measure to prevent. Measure to prevent. And control emergency. And control emergency. Affecting workers. Affecting workers. Affecting workers. And other groups of company. Other groups of company within the factory, within the factory, and not affecting, not affecting, and not affecting, not affecting outside public, or environment. It is controlled mostly. It is controlled mostly by the plant personnel. By the plant personnel resources and equipment. Resources and equipment. First up. Factory management bank. Factory management bank. Bank. And operate this plant. And operate this plant. Purpose.
आगे है बस से पॉइंट वन टू सेव लाइफ एंड इंजुरी टू सेव लाइफ एंड इंजुरी और दो चीज को ये करता है लाइफ एंड इंजुरी ठीक है ऑनसाइट टैप थ्री डेजिंग इफेक्ट करे लाइफ एंड इंजुरी इन बिटवीन डैमेज है इन बिटवीन डैमेज डैमेज कौन होगा मटेरियल राइट इट इज द मटेरियल इफ यू हैव सेव द लाइफ इफ यू हैव सेव द इंजुरी द डैमेज ऑटोमेटिकली कंट्रोल राइट मेबी लाइफ मेबी प्रॉपर्टी मेबी एनीथिंग राइट नेक्स्ट पॉइंट टू प्रिवेंट और रेड्यूस प्रॉपर्टी लॉसेस टू प्रिवेंट और रेड्यूस प्रॉपर्टी नहीं सॉरी प्रॉपरली लॉसेस प्रॉपरली लॉसेस टू प्रिवेंट रेड्यूस प्रॉपरली लॉसेस लॉस हो पहले पहले क्या होता है हम सब ओवरलैप करते जाते हैं छोड़ देते उसको ध्यान नहीं देते जो लॉस होता है उसको ध्यान नहीं देते जो इंजरी होता है उसको ध्यान नहीं देते हाँ ऐसा यू हैव टू प्रॉपरली फोकस दिस हाँ लॉसेस लॉसेस में भी इट विल बी हैजर्ड एक्सीडेंट डैमेज और हाँ प्रॉपर्टी लॉसेस You will be focused that and properly you have to losses find out and how it is losses. It can be assigned there, safety precaution and preventive measure. The losses further not be happening, right? Okay? Understand? उसको हम ध्यान देना क्योंकि देखिए जितना भी टैलेंट तेरा आदमी हो वो कुछ ना कुछ भी lack of deficiency, right? छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा. उसके लिए हमारा जो टेक्निक प्रोसीजर है हमारा जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी करते हैं टूर करते हैं सर्वे करते हैं क्यों करते हो तो जरूरत नहीं ना हम टैलेंट हो हम मालूम है सब कुछ तो और जरूरत क्या है वो सब जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सब कोई छोड़ देता है कोई छोटा मोटा गलती हो जाता है उसको रेक्टिफाई करता है वही माध्यम से उसको हम रेक्टिफाई कर देगा राइट सेकेंड पॉइंट टू प्रिवेंट और रिड्यूस टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज टू एनवायरमेंट टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज टू एनवायरमेंट इसीलिए इमरजेंसी प्लान रखा गया है टू प्रिवेंट रिड्यूस डैमेज टू एनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट को डैमेज हो जाता है एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन होता है इसको ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होगा इसीलिए हम क्या इमरजेंसी प्लान भी ठीक है ना क्या है मेरे पहले एग्जाम्पल दीजिए जैसे हमारा एनवायरमेंट को हम ऑनसाइट एनवायरमेंट को थोड़ा पॉल्यूशन हो गया उसको हम कटर कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे डस्ट हो गया दस होने के बाद क्या होगा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना गाड़ी के फ्रंट ग्लास में आकर छूट जाएगा ड्राइवर को पता नहीं चलेगा दिखाई नहीं देगा और ब्रेक फूट देगा ठीक है ना इसीलिए हमको क्या करना है स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलिंग करना है उसमें रिड्यूस द डस्ट तो प्रिवेंट रिड्यूस डैमेज एंड
एनवायरमेंट है ना, फिर करेगा किसको, डैमेज टू और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सबसे पहला हमको इम्पैक्ट करना है हमारा एनवायरमेंट, जब एनवायरमेंट वेल्दी हो जाएगा ना हमारा लाइफ वेल्दी हो जाएगा। अभी इतना टेम्परेचर क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द बैड एनवायरमेंट पॉल्यूशन एनवायरमेंट राइट। In general, and affected community as a whole, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी कम्युनिटी है, सबको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। God is setting your duty in life to protect all are also, right? The whole of community. So they are also under the team, right? You know, under the jitna bhi hai, sabko step dena aapka kaam hai. Aur sabko samjhana, hai na? Uska dekhna, step manners use karte ki nahi, step equipment use karte ki nahi. Yadi step equipment nahi use karte, to batana hai, bolna hai, bala hai. कंपनी मालिक को कोई नहीं है, कंपनी मालिक है सेक्रेटरी गवर्नर डिपार्टमेंट, चाहेगा ना मालिक को बता देंगे निकाल देना, इतना बड़ा ताला लगा देगा, जो पैसा है वो कंपनी कर देगा ना, कंपनी से वो किसके अंदर में है राइट, सेक्रेटरी गवर्नर डिपार्टमेंट उनको परमिशन देगा तो काम कर पाएगा राइट। कंपनी मालिक को तो जो भी हो, जबकि किसी को नहीं करेगा, ऐसा बात हमेशा ध्यान रखो, जो भी हो यदि को करेगा वो भगवान को करेगा, सब किसी को नहीं, मालूम है ना। सबकी लाइफ डेट आपकी हो, एमबीआई, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एवरीथिंग जहाँ की यार तो हमारा सब एवरीथिंग ठीक है ना। अब नेट सब तो देखो मालूम पड़ जाएगा सबकी क्या है, नहीं बैठा तो सब कंट्रोल करेगा। नमस्ते, टू प्लान फॉर रेस्क्यू एंड रिकोपरेशन ऑफ कैजुअलिटी एंड इंजुरी। देखो जो आदमी को एक्सीडेंट हो गया वो डैमेज हो गया, उसको तो पहले कैजुअलिटी में लेके उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना देखना, यदि वो पूरा डैमेज हो गया, बॉडी पूरा डैमेज हो गया, परमानेंटली डिसेबिलिटी हो गया, तो उसको क्या करेगा, रिहैबिलिटेशन देना कंपनी अकॉर्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस कैजुअलिटी, से हाउ मच ओल्ड इन वर्किंग है and which direction we will be working in there, तो सदन क्या के फेल करेगा, सदन को हो जाएगा उसको नहीं मिलेगा राइट। वो सीनियर हो गए, बुरा ना हो गया, अभी उनको रिहैबिलिटेशन जो स्कीम है उसको दिया जाए, कंपनी का टोल ठीक वो हो जाएगा। और जब इंजुरी कुछ डैमेज हो जाएगा, जितना भी खर्चा पानी जो आ जाएगा कंपनी बियर करेगा ठीक है। कितने बजे बियर करेगा, जब रूल फॉलो करके भी एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा एक्सीडेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सीडेंट इज अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड अनफॉर्चुनेट
the accident can not reduce in 100%, it can be minimized by applying the precaution and preventing. एक्सीडेंट को हम 100% रिड्यूस कर पाएगा, उसको हम मिनिमाइज कर पाएगा, कमा सकता है बाय अप्लाइंग द सेफ्टी प्रिकॉशन एंड प्रिवेंटिव मेजर। तो इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशन ले के भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप हेलमेट पहन के भी आपका गाड़ी में ब्रेक है और सब कुछ है फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका पीछे को मार के मर लगा है, क्या करेगा आप? सही रास्ता पे जाते हैं, आपको पीछे को मार के लगा है, क्या करेगा? ऐसा होता है तो जो पीछे में जो एक्सीडेंट होता है वो आया अपनी स्पॉट पे हो जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए पहले हमको देखना है, आइडेंटिफाई करना है गलत किसका है, तो क्या गलत किया ना, दारू पी के गाड़ी चला गया एक्सीडेंट होगा मरेगा, पैसा देना गलत किया देखा क्यों देगा राइट और रॉन्ग? वो मेरा फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, ये जो हाथ वो बेस ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन जब तो मानवा था इस सेफ्टी कौन मैनर इस सब हाजा बन के आते हैं तो कंपनी को भी गिवन तो कंपनी से सुना ना दिया जी सेशन राइट ओके नेक्स्ट अपने वो तो काम आ रहा है कि ये सही कर रहे हैं ये सही जैसा तो जनरल कर रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं तो बड़ा घोटा ले ये अच्छा एक्शन कर तो नजर आते हो जनरल ने काम कर रहा है एक्शन कर तो नजर आते हो यदि तो फिर पार्ट ना हो कंपनी में आप जारी करेंगे तो होटल भी जारी करेगा आपका पीएस 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 और नहीं ऐसा ही वो करेगा देखो आप जो मेजर कुछ हो गया जो मेजर आने वाला आपको देखा जाएगा आपका पर्स है कि नहीं आपका पर्स है तो मेजर आपको मिलेगा नहीं मेजर आओ जितना ऐसा ही कितना आ गया वो मिलेगा मेजर राइट नेक्स्ट लेवल टू प्लान फॉर इवैल्यूएशन plan for evaluation evacuation to plan for evacuation comma safe assembly point and transportation required transportation required
project of the EAF was property loss, life loss. Disaster, accident, any accident where there is loss of people and loss of life and loss of property. It can bomb you, right? It is natural calamity. Accident has four types: minor, moderate, major, and disaster. Super cyclone, earthquake, star, blast, disaster. These are the disaster accident, right? Listen. So, जो disaster होता है वो तो हमें कौन सा rectification करेगा? Disaster क्यों होता है? हम उसको rectification करना है, प्लस review करना है, plan को review करना है, तो plan कुछ भी गलत हो गया उसको review कर देना, change करना, right? नया plan का assignment करना, ठीक ना? Modification कर देना, तो disaster plan on the ground of actual experience. A person who has experience, पर यार अगर तो making the disaster plan and it will be rectified, it will be modified or reused. Okay? If a person who has not experienced, it cannot be done like this, right? Because you have no knowledge about it. So how to rectify it? How to develop it? Right? Yeah. Second point. To plan for communication. To plan for communication, meeting with the industry, comma, authority, expert, institutions, doctor, hospitality. और उस चीज को हम इमरजेंसी प्लानिंग में रखना है और उसको भी यूज करना है. हॉस्पिटल एक रहना चाहिए, कंपनी का अंदर हॉस्पिटल होता है, थाना भी होता है. गवर्नमेंट होगा कि नहीं?
वो भगवान आने के बाद उसको रेक्टिफाई करने पाएगा ना। तो कम्युनिकेशन भी सही रहना चाहिए। आपका एक टॉपिक होता है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, वो एसेंशियल इन सबके डिपार्टमेंट। आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, आपको वापसी करके दिया जाएगा, साइड से कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका सीनियर से आप बातचीत नहीं कर पाएगा, आपका क्या करते हैं? आपका मेल बना, मेल करके बनाना है आपका सुपर योग पर, आपको आता नहीं सॉफ्ट स्किल, आप क्या करते हैं? हर चीज को आपको ध्यान देना है, देखना है। इसीलिए सब्जेक्ट होता है सबके डिपार्टमेंट का, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट अगला तो ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान है। एग्जाम में तुम्हारा पड़ता है ऑनसाइट वर्क इमरजेंसी प्लान या ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान। तो ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग रिलैक्स
almost all types of figure C. In also in almost all types of industries and products. The rapid growth in last number of hazardous chemicals. Rapid growth in large number of hazardous chemicals has significantly increased the potential of accident involving such chemicals. देखो ये ऑक्साइड वाला क्या कहां था हमारा ए प्रोडक्ट ऑनसाइड क्या है जो एक्सीडेंट इंजरी जो सब होता है प्लांट का खराब नहीं प्लांट का कितना बाउंड्री लाइन के इनसाइड में होता है ऑक्साइड में क्या होता है जब हम केमिकल स्टोरेज करते हैं केमिकल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं भोपाल गैस योजना जो हुआ प्लांट का अंदर में भी हुआ आउटसाइड में भी हुआ आदमी लोग ऐसे सोते हैं मर जाता है देखा जिंदा जैसे लगता है इसलिए मरते हैं ये कुछ ड्यू टू द इनहेल ऑफ द केमिकल लोग टेक द इनहेल इन द केमिकल आफ्टर दैट योर ब्रीथिंग विल बी लस योर हार्ट विल बी लस इन वॉट टू डाई राइट तो सो दैट इट विल बी द आउटसाइड इमरजेंसी प्लानिंग So this company have also using the chemical, using the amount of chemical. Those chemicals are also hazardous for the environment and people, right? So that it will be impaired, it will be blast, it can be impact in both sides, on site and off site, right? In meantime, you have to, even the emergency planning, both off site and on site. Because the effector are also both sides. Not inside, right? So that offset plan, very effective plan to a control room in charge. It can be always dynamic condition. Cannot be a dummy condition. If it is also a dummy condition, some chemical are also leaked. After that, some people are also died. Then the company are also locked up, right? Sir, local company, what is it? What is it? इसीलिए जब तुम केमिकल को क्या करेगा ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज है ना और क्या हैंडलिंग करेगा उसको ध्यान से करना है जैसे कि कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए कोई भी मिसयूटिलाइज नहीं होना चाहिए कोई भी ब्लास्ट नहीं होना चाहिए तो हो गया तो मरेगा क्योंकि तो आप तो केमिकल एंग्लिश ऑफ सेफ्टी मैनर यूज किया और आप दूसरा आदमी तो यूज किया नहीं वो एयर में क्या होगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एयर में क्या हो जाएगा चारों तरफ फैल जाएगा तभी आदमी मर जाएगा ठीक है ना हम क्या करते हैं एक दो नाक में क्या करते हैं हमें इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड राइट बट व्हेन यू हैव टू इनहेल द मिक्स अमाउंट ऑफ केमिकल्स और डस्ट और एनीथिंग पॉइजनस इन योर इनसाइड योर बॉडी ऑटोमेटिकली योर ब्लड विल बी पॉइजनस इफ योर ब्लड विल बी पॉइजनस योर हार्ट विल बी ब्लॉकिंग आफ्टर दैट हाउ ऑफ टू सेंस देन व्हाट हैपेंस सो दैट When you have to handling the chemical, you have to very sharp minded. You have to take in the safety because of very critical. Right? After that, you have to handle the chemical. Right? The rapid growth in large number of hazardous chemicals
functional increase होते हैं in past many of these accident has led to large scale losses of life baba to large scale losses of life the huge amount of chemicals are also leaked or destroyed. The large number of people are also destroyed and died. You cannot be surviving. You cannot be saving. Because chemicals are also spread. It is immediately effect in your body. Both inside and outside. Understand? Yes. There are losses of life, damage to environment and property. Gopal Gaya में जो हुआ था, उधर जो खास है ना grasses, वो grasses सब जल गया, पेड़ भी सब जल गया, पेड़ भी अभी तक जिंदा नहीं है। तो आदमी जो पैदा होता है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, जो आदमी पैदा होता है, किसका hair नहीं है, कोई किसका eye नहीं है, किसका हाथ लंबा हो गया, किसका पैर छोटा हो गया, राइट? इतने पहले नहीं हुए, राइट? देखो, प्रॉपर्टी डैमेज, लाइफ भी डैमेज, इट्स वेरी डेंजर, देखो, देख देख, तुर्मा गोपाल यार ट्रैजेडी, देख देख, देखो, तुर्मा गोपाल यार ट्रैजेडी It's still fresh in our memory, where in couple of hours, over 2,000 people died due to the accidental release of a toxic metal methyl cyanide, in couple of hours, 2000 of people are also MIC. Therefore, it is pressing need to time to understand the potential of chemical emergencies and develop tools for the off-site emergency planning and response to minimize the damage in case of the eventuality. See, the chemical, toxic chemical effects from leakage and that. Lots of people, couples, are also dying. Not have also life. Both are also. If you have infected the chemical, then you also die. Good. Thousands of people have also died. Some are countable or some are not countable. Okay? Due to that reason. Also, the on-site emergency planning, which is off-site emergency planning, which is like that. इसीलिए मोर एंड मोर लाइफ आर ऑल्सो डैमेज इफ देयर इज सम ऑफसाइड इमरजेंसी प्लानिंग विल बी हैपन सम पीपल आर ऑल्सो राइट इन दिस वे दीज आर ऑल्सो डैमेज भोपाल क्या सबसे बड़ा है वर्ल्ड का नंबर वन है इतना बड़ा हंगामा हो गया चलो नेक्स्ट पॉइंट के बाद द प्रेजेंट वर्ल्ड The present was written of which are given तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा कितने कपल सर ऑल्सो डाइड इन द भोपाल गैस घटना 2000 मल्टीपल चेस्ट है ना कौन लिखा द प्रेजेंट वार डिटेल ऑफ विच आर गिवेन In ensuing paragraph is an important step in this series. This direction is pushed up here.
have, rejection have always posted, posed, posed, P-O-S-E-D, posed, a serious threat to P-S-R-E-P, threat to human life and it has been a matter of efforts are
being made to periodic the occurrence of natural disaster assess the damage potential and to take precautionary measure to mitigate their effects. However, on other hand, technology advancement have also increased the occurrence of man-made disaster. देखो जो दो डिजास्टर का कहे गया एक मैनमेड और एक नेचुरल डिजास्टर डिपेंड ऑन मैन और मैनमेड डिजास्टर इज स्प्रेड बाय द नेचुरल डिजास्टर जब केमिकल हम हैंडल करते हैं जब लीकेज हो जाता है वो एयर से इन्वॉल्व हो जाता है जब एयर से इन्वॉल्व हो जाता है क्या होता है वो नेचुरल स्प्रेड हो जाता है क्या होगा वो क्या हो गया नेचुरल डिजास्टर इट विल बी मेड बाय द मैन ओके इट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियसली हैपन इट कैन बी हैपनिंग बाय द मैन अंडरस्टैंड सिमिलर जो आज में होता है हम सब बोलते हैं नेचुरल होता है गर्मी होता है बोलते प्रकृति करता है भगवान करता है इसलिए वहां भगवान का दोष देते थे उसका दोष नहीं लेते अब तुम पेड़ क्यों काटते हैं पेड़ क्यों काटते हो जब पेड़ काट देते हो घर बनाने के लिए तभी तो तुमको बहुत आराम लगता है यदि गर्मी हो जाता है तो बोलते भगवान बन गया घर पेड़ लगाओ प्लांटेशन क्यों करो तुमको काम करने से जब जो बुराई करने के लिए तो बहुत तैयार हो जाता है ऐसा ही क्यों नहीं करते इसीलिए जो भी काम करना है वो एनवायरमेंटल कंडीशन को सोच के करना है तो सही है कि गलत है वो हमारा ऊपर इफेक्ट क्या करेगा हमारा ऊपर हमारा उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा राइट ना दोस्त समझ में आ गए तभी जब हम पेड़ पौधे काटेगा कोई भी बुरा काम करेगा प्लांटेशन के करेगा इंडस्ट्री करेगा उसका जो माने हजार सब्सटेंस जो निकलता है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे जैसे कि उनका इंपैक्ट कोई पब्लिक का ऊपर कोई एनवायरमेंट ऊपर नहीं पड़ना चाहिए राइट तभी हैंडल कर सकता है तो नेचुरल डिजास्टर को हम रोक सकते आज में एक लैंड वन लैंड का क्या है फर्टिलिटी ह्यूमिडिटी ना जो माटी का अठांत लवण जो बोलते हैं और जमीन से खत्म हो जाता है जमीन बहुत हल्का हो जाता है उसका ऊपर हम 25 मरला 26 मरला बना देगा बनाने के बाद क्या होगा उसका जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी कम हो जाएगा तभी उसका ऊपर प्रेशर पड़ेगा जैसे क्या होगा अंदर में वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसके बाद आपको तभी उसका किसी का गलत है मैन का गलत है भगवान का नहीं
हम तो कर देते हैं, जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर भगवान का दे रहे तो गलत है। पहले हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, हमको सचेतन होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जब गलत कर देते हैं जो मुसीबत आ जाता है तभी हम बाढ़ का ऊपर दे देते हैं। प्योरली गलत, प्योरली गलत राइट, तभी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर इज डिपेंड ऑन ह्यूमन। इस ह्यूमन आर ऑल्सो अवेयरनेस इन योर डे टू डे लाइफ वर्क इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज दोज डिजास्टर एक्सीडेंट कैन बी मिनिमाइज। अदरवाइज द डिजास्टर एक्सीडेंट रैपिडली हैपन तो कैन नॉट बी मिनिमाइज। आम आई राइट राइट तेणु आमको ये डिजास्टर एक्सीडेंट को रोकने पर हे प्रथम आमको सतर्क होगा पड़ा आमको अवेयरनेस करा पड़ा आमको रास्ता को तोड़ देना मेहनत है वो क्या मेहनत है वो मेहनत कौन सिखाता है। हेलो इसीलिए हमको क्या करना है लेट्स कम टू द पॉइंट आउटकम ऑफ केमिकल एक्सीडेंट। आउटकम ऑफ केमिकल एक्सीडेंट कैन बी ब्रॉडली इन्वर्सन लेयर
stability. Stability classes, CLS classes, CP. Also player. Also player. Important role. Important role. Important role. Role. Ready. Is it the area affected?